कैसे सभी दोस्त, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसे मैं हूँ फरहान। दोस्तों, जैसे कि आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी ऑटो शो की, बहुत ही कमाल का शो था। और वो उसके बाद अब पपिट शो, आज अब हम पार में पहुँच चुके हैं, अब पार में पहुँच चुके हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं व्यू पार में क्या क्या मौजूद हैं। जानवर है जो हम लोगों की रखवाली करता है, हम इनके लिए तालियां भी नहीं बजा सकते। And the first German shepherd name was historically, his name was Horan. और ये आप देख रहे हैं कि ये जर्मन है, ये बहुत सी एजेंसीज हैं वो जर्मन शेफर्ड को ही प्रायोरिटी देती हैं, क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल। मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो हमारे ये जो वर्ल्ड वॉर है, ये जर्मन शेफर्ड मामूली शो नहीं हो रहा भाई। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट शो एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर। दिस इज अ ब्लैक जर्मन शेफर्ड। इसकी जो जिंदगी है वो 9 से 13 साल इस कुत्ते की उम्र होती है। जर्मन शेफर्ड रखा जाता है और इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी है, असिस्टेंस है, सर्च एंड रेस्क्यू है, पुलिस वर्क है, वॉरफेयर है, एंड इट इज कॉमनली केप्ट एज अ कंपेनियन डॉग। बल्कि मगरब में और यूरोप में ये एज अ कंपेनियन भी रखा जाता है। और मैं एक और चीज भी अपने मेहमानों को बताता चलूं कि आम तासुर ये लिया जाता है कि अच्छा, मुझे लग रहा है ये वो कुत्ता है जो इंतजामात का जायजा लेने आया है कि बाकी कुत्ते शू करें रेड कार्पेट पे। आप ये देखें ये कितनी दाद के मुस्तहिक है। दिस इज अ मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये इंसानियत का पैगाम है कि अल्लाह सुभान व तआला की हर को हम स्ट्रे डॉग्स की टर्म यूज करते हैं और जो नजर आते हैं। और पितरस बुखारी साहब बहुत बड़े राइटर हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक दफा सख्त सर्दी की रात में इसको जो भी सिखाया जाता है, डॉबरमैन वो ब्रीड है जो बहुत जल्दी पिक करती है। So this is Doberman. It's a medium-large breed of domestic dog that was originally developed around 1890. Wow! It's again very attractive and very innocent. वो जानवर है जो हम लोगों की रखवाली करता है, हम इनके लिए तालियां भी नहीं बजा सकते। एंड द फर्स्ट जर्मन शेफर्ड नेम वॉज हिस्टोरिकली हिज नेम वॉज हॉरन। और ये आप देख रहे हैं कि ये जर्मन है, ये बहुत सी एजेंसीज हैं वो जर्मन शेफर्ड को ही प्रायोरिटी देती हैं, क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल। और जिस वक्त आप ये देखें कि जिस घर में भी पेट होता है वो इतना अटेंटिव। अभी ठहर जाएं जी। जिन्होंने बहावलपुर के मकीनों के लिए इस सहूलत को बेहतर से बेहतर करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया।
अच्छी सो द नेक्स्ट ब्रीड इज सी रेडी फॉर as a bully kutta is a type of a large and the bully yaar move kare move kare used for hunting and तनवीर साहब दिस इज ऑल अबाउट द कैट्स ओके थैंक यू इस मेहमानाने ग्रामी जैसा कि आप सब जानते हैं गुलजारे सादिक में कैंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर ने 2022 पेट शो का इनेकाद किया जिसके बहावलपुर पेट